आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जनता को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस भी चुनावी रणनीति को आकार देने में जुटी है। 12 जून को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर आ रही हैं, जिसे लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां चल रही है। आज जबलपुर में महापौर जगत बहादुर सिंह से लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक तरुण भानोट, विधायक विनय सक्सेना और विधायक संजय यादव की मौजूदगी में आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता हुई। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। कमलनाथ जी को इस बात के लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जबलपुर शहर के हम सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए इस काबिल समझा कि हम लोग ये कार्यक्रम जबलपुर से करें, जबलपुर से इसका आगाज हो। कार्यक्रम की रूपरेखा आपके पास है। सभी हमारे कांग्रेसजनों से, आम नागरिकों से जो शहीद स्मारक पहुँचने वाले हैं प्रातः 10 बजे, वो 3 नंबर गेट और 4 नंबर गेट से एंट्री करें। आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन है। बड़ी संख्या में लोग पूरे प्रदेश से और विशेष तौर पे महाकौशल और जबलपुर से लोग वहाँ पर पधार रहे हैं और हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये आगाज निश्चित तौर पर हम लोगों को आने वाले विधानसभा चुनाव में विजय दिलाएगा। जब बीजेपी आती है शासन में, सत्ता में, तो वो उसके काम करने का तरीका अलग होता है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो उस सेवा के भाव से आती है और यही काम अब होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि 150 से ज़्यादा सीटों को लेकर 2023 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। आदरणीय प्रियंका जी को हम सब सुनने के लिए आतुर हैं और वो क्या मध्य प्रदेश के लिए क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। आगामी 12 तारीख को माननीय कमलनाथ जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के वहाँ पर मौजूद होंगे और बड़ी संख्या में कांग्रेसजन और आम नागरिक भी वहाँ पर मौजूद।